तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल ऑब्जर्वेशन आपका होगा लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म को जब भी हम अप्रोच करते हैं तो लीनियर जो होता है आपका एक्सप्रेशन, उसको नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्सप्रेस करना होता है ना। तो ये सपोज़ लीनियर हम एल लिख रहे हैं, दैट इज़ सम ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक से क्यू प्लस बी, और हमें क्या निकालना होता है, ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ लीनियर जो एल है वो एक्स प्लस टू है, दैट इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आपकी फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस बी हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी फोर माइनस टू एक्स प्लस बी। अब ये एक्सप्रेशन यूज़ करी जाएगी एट द प्लेस ऑफ एक्स प्लस टू, ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे से ये इक्वेशन नंबर हमने वन मान लिया। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, कंपेयरिंग कोफिशियंट बोथ साइड, एक्स का कंपेयर करते हैं कोफिशियंट। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट वन है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का टू ए होगा, दैट मीन्स ए कम्स आउट टू बी माइनस वन बाई टू। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लें, तो इधर कॉन्स्टेंट टर्म टू है, और इधर से देखिए क्या बनेगा, 4a और प्लस का b बनेगा। लेकिन a हमारा पहले ही आ चुका है, a की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे माइनस वन बाई टू, मल्टीप्लीकेशन में है टू टू जा फोर प्लस बी। तो ये आपका माइनस टू हो गया, माइनस टू इस साइड में आके प्लस टू हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस टू, दैट मीन्स फोर हो जाएगी। तो आपकी ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई और बी की वैल्यू फोर आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था से एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट कुड बी रिटेन एज ए, जो आपका ये लीनियर फैक्टर एक्स प्लस टू है, इसको हम क्या लिख के हटा देंगे, ए टाइम्स फोर माइनस टू एक्स प्लस बी ओवर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4x और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रल है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक हो जाएगा आपका a टाइम्स दिस वन और प्लस b टाइम्स दिस वन। तो यहाँ से हम इंटीग्रल ब्रेक कर दे रहे हैं, तो दैट इज रिटेन एज ए डी एक्स और प्लस b टाइम्स या b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखिए a तो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, तो कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन वो हमेशा बाहर आ जाता है, तो a और b दोनों ही बाहर आ जाएंगे। अब आपके पास दो सेपरेट क्वेश्चन हो गए, से ये इंटीग्रल i1 हो गया और वो इंटीग्रल आपका i2 हो गया। तो हम इसको लिख ले रहे हैं a टाइम्स से इंटीग्रल i1 इसे बोल रहे हैं, और प्लस, ये प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, प्लस b टाइम्स इंटीग्रल i2। अब हमारे लिए ये सेपरेटली दो क्वेश्चन हो गए, i1 अलग सॉल्व करेंगे और i2 अलग सॉल्व करेंगे। i1 के लिए आप देख रहे हो कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये f डैश x अपॉन एफ एक्स की पावर n है, तो ये एफ एक्स की पावर n और f डैश x फॉर्मूले से डील कर लेंगे, और वहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे I1 और I2 कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये I1 आपके पास ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए कि जो नीचे का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से डील किया जाएगा। तो हम लोग क्या करें, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ टी स्क्वायर प्लेस कर दें। अब टी स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा, और टी भी प्लेस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर प्लेस कर दे रहे हैं। खैर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब जो आपके पास न्यूमरेटर पड़ा हुआ है 4x, 4 माइनस 2x टाइम्स डी एक्स, वहाँ पर आप 2t dt रख दोगे, तो i1 जो आपके डमी वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा, t के टर्म में 2t dt, और नीचे हमने क्या रखा था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा था, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर आप, तो ये t आ जाएगा, t t कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है,
तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, या यूं कहें 1 डी टी हो जाएगा। तो 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है आपका टी होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2t। और एक इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट से c1 आ गया, लेकिन t आपका डमी वेरिएबल है तो कभी भी आंसर हम डमी वेरिएबल के टर्म में लीव नहीं करेंगे। तो t की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख देंगे, तो देखिए t स्क्वायर आपका 4x-x² है, तो t अंडर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4x-x² और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c1। तो ये आपका इंटीग्रल i1 का आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग I2 कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास I2 जो है साफ साफ दिख रहा है कि 1/√ क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, और जब भी 1/√ क्वाड्रेटिक फॉर्म का होता है तो आप क्वाड्रेटिक को क्या करते हो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हो, और ये किसी न किसी फॉर्म से मैच कर जाता है। तो इसको हम सही से लिख ले रहे हैं, यहाँ कंपेयर करेंगे आप ax² + bx + c से, तो a क्या दिख रहा है आपको -1 दिख रहा है, b आपका आ गया 4 और कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है मतलब 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट ये निकाल लेते हैं b² - 4ac, और b² का मतलब कितना हुआ 4 का स्क्वायर - 4ac। अब ये कुछ भी हो लेकिन c 0 है तो ये सबको 0 बना देगा कम से कम, तो बस 4 का स्क्वायर 16 बच जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसा आपके पास फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है इसको हमेशा अप्लाई करते आए हैं हम लोग, तो फिर से अप्लाई कर दे रहे हैं, a टाइम्स मतलब -1 टाइम्स x + b/2a, तो b क्या है आपका 4 है / 2a, a क्या है आपका -1 है का होल स्क्वायर, और -d/4a² d आपका 16 हो गया / 4a² a स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया आपने फॉर्मूले को यूज़ करके। अगर आपको जुगाड़ आता है तो जुगाड़ से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आराम से करिए। क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, ये +(-) आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये 4 × 4 = 16, ठीक है, और +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 मतलब 4 बचा मतलब 2 का स्क्वायर। इस माइनस को अंदर ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको दिखाना आंसर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आंसर का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे आप मेहनत करेंगे तो आपको दिखा देना चाहिए। खैर यहाँ पे हम लोग रख देंगे I2, इट बिकम 1/√2 का स्क्वायर और -x - 2 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं x - 2 को, कुछ u प्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dx = du हो जाएगा। अब ये पूरा इंटीग्रल u के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट बिकम 1/√2² - u² du हो गया। अब ये किसे मैच कर रहा है, ये आपका 1/√a² - u² से मैच कर रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है sin inverse x/a। तो x यहाँ पे वेरिएबल u है, तो u/a, a क्या हो गया आपका 2 हो गया, और प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट c2 हो गया, लेकिन u हमारा डमी वेरिएबल है, आंसर डमी वेरिएबल के टर्म में हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स, u की जगह पे हम क्या प्लेस कर दें, u आपका था x - 2, तो x - 2/2 + c2, तो ये हो गया I2। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल आंसर हमारा, ये आपका इंटीग्रल जो था ये क्या था आपका a × i1 और b × i2 था, जहाँ पे a की वैल्यू -1/2 थी, ठीक है, और i1 की वैल्यू हमारी आई थी 2√4x - x² + c1, और b की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, b की वैल्यू थी 4, और ये था आपका sin inverse x - 2/2 और + c2। तो ये आपका ठीक है आंसर आ गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 × 2 √4x - x² प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/2 c1,
प्लस 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई 2 प्लस 4 सी 2। अब देखिए जो हमारा फाइनल आंसर आता है, टी ए 22 कैंसिल हो गया, जो फाइनल आंसर आता है उसमें सिर्फ एक इनडेफिनेट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका हाफ माइनस का हाफ सी 1 और 4 सी 2, इसे एक सिंगल इनडेफिनेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या दिखेगा, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 ओवर 2 प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट c, वेयर c क्या है आपका, c है माइनस 1 बाई 2 सी 1 प्लस 4 सी 2। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर।